एग्जाम्पल 4.7, एग्जाम्पल 4.7, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाई 45 degrees वाई इक्वल अमाउंट द रेंजेज आर इक्वल, यानी कि 45 degree से कुछ ज़्यादा और 45 degree से कुछ कम एंगल पर अगर प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाए तो उनकी रेंज इक्वल होती है। एक्सीड और सॉल्ट, एक्सीड यानी कि 45 प्लस एल्फा, 45 से थोड़े ज़्यादा पर, और फॉल फुट और सॉल्ट, फॉल सॉल्ट यानी 45 माइनस एल्फा, जबकि एंगल जो है प्रोजेक्टाइल का वो 45 से थोड़ा ज़्यादा हो या 45 से थोड़ा कम हो, दोनों के लिए रेंज सेम आएगी। ये आपको प्रूफ करना है, गैलीलियो ने अपनी बुक टू न्यू साइंस के अंदर लिखा था, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो थीटा वन ले लिया 45 प्लस अल्फा और थीटा टू ले लिया 45 माइनस अल्फा। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45 प्लस अल्फा, और यहाँ भी आर इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फा ले ली जाएगी। टू से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस टू अल्फा अपॉन जी, और यहाँ आर टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस टू अल्फा अपॉन जी। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस टू अल्फा कॉस टू अल्फा बन जाएगा, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस टू अल्फा भी कॉस टू अल्फा लिखा जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आर वन और आर टू सिमिलर हैं, यानी आर वन इक्वल आर टू, प्रूफ हो गया कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम है तो दोनों की रेंज सेम होती है।